राहुल गांधी का 2 साल की सजा सुप्रीम कोर्ट ने निलंबित कर दिया, उन्हें संसद में वापस लौटने का बहाली दे दिया। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने आज मोदी उपनाम टिप्पणी से संबंधित मानहानि मामले में गुजरात हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ राहुल गांधी की याचिका पर आज सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने मानहानि मामले में विपक्षी कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी की सजा को निलंबित कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश राहुल गांधी को संसद में लौटने और अगले साल होने वाले राष्ट्रीय चुनाव में उनकी अनुमति दे दी है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में 21 जुलाई को राहुल गांधी की याचिका पर गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी और राज्य सरकार से जवाब मांगा था। 15 जुलाई को दायर अपनी अपील में गांधी ने कहा कि अगर 7 जुलाई के फैसले पर रोक नहीं लगाई गई तो इससे बोलने, अभिव्यक्ति, विचार और बयान की स्वतंत्रता का गला घोट दिया जाएगा। यानी उन्होंने संविधान के मूलभूत अधिकार की धारा 19 के तहत अपने स्वतंत्रता की मांग की। हालांकि 7 जुलाई को गुजरात हाई कोर्ट ने उन्हें कोई राहत नहीं दी और मामले में गांधी की दोषी सिद्धि को बरकरार रखा गया। उन पर लगे आरोप यानी खारिज ना करते हुए उनके ऊपर बरकरार रखा गया वो मामला। तो वो मामला नहीं सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त सुनाई थी, लेकिन आज उन्होंने दोनों राहत दे दी। राहुल गांधी को उनकी सजा निलंबित कर दी गई और उन्हें संसद में वापस लौटने की अनुमति दे दी गई है। और जिस तरीके से जो उन पे केस किए थे उनको पूरी तरीके से उनके ऊपर एक्शन लिया गया। तो आपको क्या लगता है इसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो कर सकते हैं।